कैसे हो भाई? ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आओ भैया अंदर आओ। और आपके साथ जो एक सिस्टम है उससे ज्यादा खुशी हो रही है। लॉक शुरू हो चुका है हमारा। स्टार्ट है मैडम, तुम सब लोग इसे वेलकम, सब लोगों को वेलकम है भाई। थैंक यू। आओ जी बैठो। सब ठीक ठाक है? और रवि सब बढ़िया? हां जी सब बढ़िया एकदम। ऊपर वाला देखेगा। चलो अभी स्टार्ट करें। हां फिट टू गो? यस चले फिर। बिल्कुल पक्का। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भी चल रहे खराब नहीं जावे। हां जी हां जी। आईटीओ पहुंचे और वही शाम का टाइम है, ट्रैफिक बहुत है। तो कुछ खाने पीने का सामान उठा रहे हैं, जाने की तैयारी, जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ही रात को निकलेंगे। अंदर की तो बिल्कुल नहीं आ रही लाइट, भी है बाहर तो फिर भी लाइट है, थोड़ी आ रही है ना। तो ये सीपी के पास आ चुके हैं। ये हमारा सीपी तलाक प्लेस होते हैं, यहाँ पे पाल उठाना है। होता है कि सोशल मीडिया का जादू, सोशल मीडिया का जादू सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। देखो पहले हम ये दो दोस्त हुआ करते थे, अब तीन हो गए, तो यानी कि हम तीन तिलंगे हो गए। तीन तिलंगे हो गए और कुछ तो कोई धमाल तो बचाएंगे। कुछ ना कोई धमाल तो फिर दे। ये तो पार्किंग का चक्कर होता है वो है प्लाजा वाला। प्लाजा वाला तो ये है दिल्ली की शान करार प्लेस, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान आते हैं। तो ये वीडियो टूर की प्रिपरेशंस के बारे में है। किसी भी टूर को करने से पहले काफ़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तो हमारा ये टूर मेरे दो फ्रेंड्स के साथ होने जा रहा है, इसकी प्रिपरेशंस हम किस तरह कर रहे हैं ये वीडियो उसी के बारे में है। दिल्ली की घर पर रहेंगे ठीक है, लास्ट प्लेस दिल्ली का दिल। ये है कनॉट प्लेस में पीवीआर प्लाजा के सामने, पहले जो प्लाजा सिनेमा हॉल था उसके सामने खूबचंद, मशहूर है अपने सिंह कबाब और चिकन मटन आइटम के लिए। तो सफ़र में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भूख वूख लगेगी तो रात में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सीख कबाब वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। पहले क्या ये सब सामान ले लिया है, सभी का बताना है। और कुछ हमारे वैसे भी सामान है जो हमें जरूरत का चाहिए, जैसे कोको कोला नहीं, थम्स अप। ये इधर ये जो उतर रहा माल। ये हमारी कनॉट प्लेस पर तैयारी चल रही है। और इस वक्त हम क्या लेने जा रहे हैं? थम्स अप। थम्सअप की दुकान में आ चुके हैं, हमारा अपना थम्सअप जो लेना चाह रहे थे। तो सिटी के अंदर बहुत अच्छी दुकान बन रही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बडवाइजर भी है, कास्पर भी है, कुछ ठीक है। थम्सअप ले लो, बडवाइजर थम्सअप। रवि ये है वो
विराट प्लेस पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, तो हमारे साथी जो है पुलिस साथी इस टूर पे मेरे साथ हैं, वो अंदर गए हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ बाहर। तो जल्दी चलते हैं, शायद वो आ गए होंगे। दीवाने का बिछड़ गया हर साथी देकर। हाँ जी सर, तो क्या कर रहे हैं काम? अच्छा, गाड़ी बैक करा रहे हो? बताइए क्या करके आए हो? हम थम्सअप का इंतजाम करके आए थे, थम्सअप की एक पेटी ले ली हमने, और थम्सअप को जो है पेटी को हमने रख भी दिया है। ओरिजिनल थम्सअप या थम्सअप? नहीं नहीं, ओरिजिनल थम्सअप, बिल्कुल ओरिजिनल थम्सअप जो है वो है केवल 1750 की आई है बस। चलिए ठीक है फिर। हाँ, अब क्या चलना है? अब हमें मयूरा फेस वन चलना है, हमारा कैंपेनिंग का एक छोटा सा सामान है। तो लेट्स गो देयर। गो देयर स्टार्ट। यस। तो मिस्टर धीरज रेडी टू गो? तो देखते हैं किस तरह का हुआ, अभी देखते चल गए। ले जाने में भी आसान होता है वो। आसान होता है, छोटा भी होता है। छोटा होता है, छोटा है वो, कैरी करने में भी बढ़िया है। तो रवि तुमने वो देखा है ना, वो किस तरह का होता है? हाँ वो तो मैंने देखा किस तरह का होता है, लेकिन वो मैंने शॉप नहीं देखी है, उसको कॉल कर लेंगे, कॉल करके पूछना है। अच्छा, क्योंकि मैंने वीडियोस में तो बहुत देखा है, लेकिन वैसे एक्चुअली मैंने नहीं देखा। कैरियर नहीं लगाने की वजह से सिलेंडर भी अगर ले जाते हैं तो सिलेंडर को हमें रखना पड़ता। अब अगर हमें सिलेंडर रखना पड़ता अंदर तो हमको डर सा महसूस देता रहता है। एक डर सा थोड़ा रिस्की रहता ना? रिस्की रहता है, क्या कभी स्मेल आ जाए उसमें से, मतलब गैस लीक होना शुरू हो जाए तो फिर जो है हमारा जो सफर है वो खराब हो सकता है। तो ऐसा काम ना किया जाए, ऐसा काम ना सेफ 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 होना चाहिए, थोड़े से पैसे और खर्च कर लेते। तो ये क्या है जो जनाब आपने अपने आगे रखा हुआ है आपने? ये मैं गलती से ऊपर आगे बैठ गया हूँ, एक्चुअली ये तुम्हारी सीट थी। नहीं नहीं जनाब, तो आप बैठो आगे। बेनीवाल साहब आप भी आगे आ जाओ, मैं तो पीछे जाता हूँ। बेनीवाल साहब देखा, देखो देखो जी, ऐसा है कि आप अपनी जगह पे करेक्ट आ गए थे, बिल्कुल आप सबसे पहले आए और आके अपने आगे बैठ गए, और आपने देखा कैमरा भी आपके चल रहा है, वैसे आपकी ड्राइविंग सीट भी चेंज हो जाएगी, तो मेरे वजह से आगे आएंगे वो। तो ये तो फिलहाल की बात हुई ना, अभी ये फिलहाल क्या है, क्या है इसको आगे दिखाइए, है क्या आप इसको वीडियो में दिखाइए, ये है क्या, इसको दिखाना पड़ेगा। ये है जिसकी बात ये मिस्टर रवि बेनीवाल और नीरज कर रहे थे अभी, जिसका मेरे लिए बिल्कुल भी यूज नहीं है, क्योंकि मैंने पानी भी बोतल से पीता हूँ डायरेक्ट। अरे जनाब ये तो थम्सअप के लिए ना, थम्सअप जो लिए है। हाँ तो मैं भी वो भी बोतल से पीता हूँ सीधा। अच्छा सीधा डायरेक्ट पीता हूँ, तो कोई बात ही नहीं है गिलास का। नहीं सीट आपकी रहेगी, ये सीट तो चलो मेरी रहेगी, पर इधर बदलती रहेगी ना, इधर तो बदलेगी, और ऐसा है ना तो ये गिलास भी आपको यूज करना पड़ेगा, ये गिलास को आपको यूज करना पड़ेगा। एप्पल है, आईफोन है, हाँ, iPhone तो है। इसमें कैसे ट्रांसफर मतलब बदल रहा है, क्या मतलब इसको कनेक्ट कर रखा ना? ये इस तक DJI गिम्बल से आईफोन कनेक्टेड है। नहीं नहीं बोल ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो सेल्फी इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है। अच्छा, ये गिम्बल के अंदर उसको 3 बार प्रेस करने पे ना ये फ्रंट कैमरा से रियर कैमरा पे बैक कैमरा में शिफ्ट हो जाए। हो सकता है कि हो सकता है इसमें ऑप्शन हो, लेकिन क्योंकि अभी मतलब मैं बंद करके ही लाना पड़ता है, बंद करके ही लाना। हां मैं मेरे को मैंने भी तो यूज अभी इतना करा नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं गिम्बल में भी ये बंद करके लाना पड़ेगा? अच्छा, बहुत छोटा सा चूल्हा है, इस तरह से ये खुल जाता है। अच्छा ये सिस्टम है इसका। और वो कहाँ है ना, सिलेंडर बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक है। चाय वाय के लिए ठीक है, खाने बन जाएगा? हाँ बन जाएगा सर। कितने घंटे चाहिए? इस तरह से लगता है, इसमें लगा है, इसमें फिट है, लोग लगता है इसमें। हाँ ये करके ना, हाँ यहाँ से रवि समझ लेना ठीक से, लोग कैसे हुआ यहाँ से आन अच्छा यहीं से उन पत्थर ये लगातार चल रही थोड़ी, इसमें कुछ और है ना? ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस है, काफी सामान है इसमें, बैग्स वगैरह ना। ये जैसे स्लीपिंग गे नहीं होता ना,
टेंट भी होगा आपके पास? सब है, सब है। टेंट यह सेंटर 200 रुपये का है। अच्छा, ये वाला सेंटर सस्ता है, 150 रुपये का बेचते हैं, ये 200 का बेचते हैं। फर्क है, ये कंपनी का फर्क है बस। अच्छा, वैसे खतरे वाली की कोई तो नहीं है ना, मतलब कुछ उसमें इसमें कोई खतरे वगैरह की कोई बात हो ऐसा तो कुछ नहीं है? यहाँ से हमने अभी अंडे लिए, ब्रेड लिए, टिश्यू पेपर लिया है, चिप्स वगैरह लिए है, ब्रेड लिए है सुबह के नाश्ते के लिए, और अभी हमने कुछ वहाँ पे कुछ अपना कुछ खाना भी बनाना है, तो उसके लिए प्याज, हरी मिर्च, मसाले, ये सब भी हम खरीद रहे हैं। हरा धनिया भी है ना तेरे पे? वो तो कैंपिंग पूरी जोरदार होने वाली है, पूरी जोरदार, यानी कि अपना अपने उस पर करना सारा। ये सब हमने पैक कर लिया है, अभी हमारा रॉ आइटम इसमें कबाब है जो हमने खूब टन से लिए थे, अब ये पैक हो रहा है। इसमें आइस डाली जाएगी? आइस रख दिए, आइस क्यूब रख दिए, आइस क्यूब डाल दो। ब्रेड के साथ अमूल, हाँ ये ठीक रहेगा नाश्ते में, नाश्ते ब्रेकफास्ट के काम। ब्राउनी आटे वाली, आटे वाली ली, ब्राउनी ली। हमारी तो यहाँ से आज अभी सफर शुरू नहीं होगा, अभी भी हम अभी नहीं, अभी भी वहाँ जाएंगे ना, अभी हम फॉर्चून अपार्टमेंट जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर हम वहाँ से निकलेंगे मसूरी के लिए, मसूरी के लिए। और मसूरी भी हम धीरे धीरे स्पॉट है यहाँ पे, नहीं वो सस्पेंस है, अभी वो सस्पेंस है, देखते हैं क्या हो पाता है, क्या हो पाता है ये तो वक्त बताएगा ना, कोई हो पाए ना हो ना पाए फिर भी उसके बाद ही तुम पता चलेगा ना, नहीं तो कहेंगे कि हाँ नहीं तो वहाँ जा रहे हैं, उस पॉइंट पे जा रहे हैं, पॉइंट अभी सस्पेंस। ओके, तो करीब 12 बजे शुरू करते हैं। हाँ, मिलते हैं आपसे बाद में। किराया कि जो है ना मॉर्निंग में जो हम पहाड़, जो अगर रात को हम पहाड़ चढ़ते हैं तो उसके नज़ारों को हम देख नहीं सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के हम एक तो अपना होटल चॉइस करेंगे, चॉइस किया हुआ है उसके बाद एक तो सुबह मॉर्निंग का एक अलग ही नज़ारा होगा मसूरी का। और ये हमारे ट्रैवल पाल जो कि अपना अलग एक चैनल रखते हैं, बहुत अच्छा वो बनाते हैं अपना ब्लॉग, और ये आज हमारे को सहयोग कर रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे दीप पंजाबी ढाबा, दिखा देता हूँ एक बार, क्या आइए धीरे, दीप पंजाबी ढाबा। यहाँ हम चाय के नहीं रुके, चाय के रुके थोड़ा सा, घंटे से घंटा हो गया, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, चाय भी पी लेंगे, और अभी तो खैर हाफ में मार के क्यों नहीं करें। हाय श्री, बोलो। हे श्री, कोई 1.5 घंटे का सफ़र किया अभी, जस्ट चाय ठीक है तो चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की सफर की तरफ। ठंडी हवा है, ठंडी हवा है, लहरा क्या है, है जमा को जो हम लेटा करते थे ना, जब आप कोसी के पास आया करते थे हैं, तो ये मैं वहाँ पे धीमे लगा के सुना करता था, उसमें क्या आता था कि जो जो 8:30 बजे के बाद आया करता था, 8:30 बिना का तो सुबह आया करता था भाई, नहीं रात को आता था, और फिर सिवाका हो गया था। तो अभी बहस के जाने के गाने की बात करते हैं, गाना इतना बहुत है, बहुत मस्त मस्त में चल कोई ये आजा चलते हैं कहीं दूर।
फैली हुई है सब लोग इसका थोड़ा अलग ही हुआ, अलग ही आनंद आ गया संगीत के साथ। तुमसे चाय का तो ले लो, तो चाय पीते फिर उसके बाद मिलते। तो 5:30 बजे हम लोग ठीक गंगा जी गंगा मैया के सामने हरिद्वार नगरी पहुंच गए हैं। और ये नीचे आपको मेरे पीछे दिख रही होगी माँ गंगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा मैया। इतना सोचा नहीं था हरिद्वार में भी इतनी ठंड होगी, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी ठंड है, जबरदस्त लग रही है। नगर निगम हरिद्वार सड़क हरिद्वार। ये जगह है अमरापुर घाट हरिद्वार। ऊपर भोलेनाथ आप देख सकते हैं भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पे है। ये अमरापुर घाट के सामने मैं खड़ा हूँ। सबसे गंगा नदी के ये खूबसूरत दृश्य, माँ गंगा के खूबसूरत दृश्य। हर जगह हेमंतांग उजेड़ देता है, है ना, हर जगह हेमंत कहता कि मैं भी कहूँ। श्री रामचंद्र ने गाया था गाना, है श्री रामचंद्र। अब कोई ये गाएगा कि यार तलक गा रहा है, तलक गा रहा है, ये गाने को ये सोचते हैं कोई। और ये मेरे साथ आप दो नए हमारे साथी देख रहे हैं आप, तो ये तो है मिस्टर रवि बेनीवाल, बड़ी यूट्यूबर हैं, बिगिनर हैं। और ये भी नीरज, फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करेंगे सफ़र करते रहें और आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट उसी हिसाब से करते रहें। कोशिश करेंगे जी जान से नए नए जगह एक्सप्लोर करने का जज्बा पूरा है। नीरज का भी सेम है, ऐसे ही नीरज और रवि का भी यही है। तो हम भी पाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो उनको वो हमको अपने ब्लॉग में ले रहे हैं और हमारा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे चाय के साथ आनंद लेते हुए और पाल जी को भी कहेंगे कि चाय लेंगे। हाँ, तो अब मैं भी चाय पीता हूँ, चाय मिलते हैं आपसे, चाय का आनंद लेते हैं। तो देहरादून से आगे बढ़ रहे हैं मसूरी की तरफ, राजपुर रोड है ये, राजपुर रोड है। ड्राइविंग सीट पे है रवि आर के बेनीवाल और पीछे हमारे दूसरे साथी नीरज चंदेलिया। अब पहाड़ चढ़ने की तैयारी है, बस मसूरी की तरफ चल रहे हैं। तो रवि ने होटल बुक किया है वहाँ पे, क्या नाम है उसका होटल? उसका नाम है रिलैक्स इन। रिलैक्स इन माल रोड पे ही है? बिल्कुल माल रोड, बिल्कुल माल रोड पे ही है। और चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या माहौल मिलता है, किस तरह का एम्बियंस है होटल का। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स।
एक बार फिर वही खूबसूरत पहाड़ शुरू हो गए हैं और हमने मसूरी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में मसूरी पहुंच जाएंगे। वहाँ तुम पूछोगे ना बर्फ मिलेगी तो वो कहेंगे वहाँ चले जाओ धनोल्टी। वो ऐसा कुछ जवाब देंगे धनोल्टी चले जाओ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो करीब 8 बजे का समय है, हम अपने होटल रिलैक्स इन पहुँच गए हैं।